प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जब से एमपी कांग्रेस की कमान संभाली है उन्हें लगातार झटके मिल रहे हैं। पहले तो जीतू पटवारी जैसे ही अध्यक्ष बने एक के बाद एक कई कांग्रेसियों ने पार्टी छोड़ बीजेपी का दामन थामा। इसके बाद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। पहली बार बीजेपी ने मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर जीत दर्ज की। अब प्रदेश के 19 नगरीय निकायों के नतीजों में भी बीजेपी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। प्रदेश के 19 नगरीय निकायों के 19 वार्डों में हुए उपचुनाव में बीजेपी ने 13 वार्ड पर जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस सिर्फ 4 सीट ही निकाल पाई है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को अपने ही घर में हार का सामना करना पड़ा। इंदौर में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के घर में बीजेपी के जितेंद्र राठौर 4,255 वोट से जीते हैं। वार्ड 83 की सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी विकास जोशी को हार का सामना करना पड़ा। निर्वाचन आयोग के मुताबिक 19 नगरीय निकायों के इस चुनाव में ताल और सीहोर में 2 निर्दलीय पार्षदों ने भी जीत हासिल की है। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे WhatsApp चैनल बंसल न्यूज को फॉलो कर हर दिन लाइव अपडेट्स भी पा सकते हैं।